एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिन बाद वीडियो शूट हुआ है और ये वीडियो आने जा रहा है MT-15 BS6 वर्सेस R15 3 BS6। दोनों BS6 बाइक हैं और ये एक ड्रैग रेस है। तो बाकी बातें वीडियो में करते हैं, तो आप वीडियो को एंजॉय करिए। अभी मेरे पास दोनों BS6 बाइक हैं, जैसे कि सेम CC कैटेगरी की, और बस फ़र्क इतना है कि ये फेयरिंग बाइक है और ये नेकेड बाइक है R15 V3, और नेकेड बाइक है MT-15। तो दोनों BS6 बाइक हैं, बस यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे, देखेंगे किसका क्या परफॉर्मेंस होता है। और एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वो MT में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे स्पॉकेट का भी फ़र्क है दोनों में, उसका स्पॉकेट बड़ा हो थोड़ा सा। और बाकी परफॉर्मेंस कैसा होता है देखते हैं। CC और पावर फिगर हर एक चीज़ सेम है। और एक्चुअली BS6 आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा कलर वलर, तो आप देख सकते हैं BS6 का ये कलर कॉम्बिनेशन है और ये R15 V3 BS6, तो काफ़ी कूल लग रही दोनों बाइकें। तो वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस होता है। देखते हैं स्पीड टेस्ट करके क्या रिजल्ट होने वाले हैं। ओहो, इंस्टेंट पिकअप चले। R15 निकल गई। R15 काफ़ी तेज़ निकल गई और मेरी बाइक किस स्पीड पे है ये हम यहाँ से देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकल रही है। इसकी रियल टॉप स्पीड है, आप देख लो 116 जा रही है, 117। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये यहीं पे रुक गए, आगे आ जाओ भाई। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही कम इसकी टॉप स्पीड थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम थी टॉप स्पीड, ऑलमोस्ट कम से कम 130 होनी चाहिए थी। अब हम R15 का भी एक बार चेक ही कर लेते हैं, ठीक है? हैं, हाँ वो जीत गए, उसको जीतना ही था भाई, लेकिन ये 115-117 गई बस। मतलब वीडियो में देखा, जैसे आपने मैंने बात की थी कि इसका एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा है और वेट भी काफ़ी फ़र्क है। ये चलाएंगे MT, देखते हैं वेट इनका है हल्का, मेरा वेट है भारी। और लॉन्च भी वो तगड़ा था पहले वाला। मैं कोई हरकत नहीं करूंगा,
125, 160। रिजल्ट ये रहा कि ये दोनों BS6 मुझे लगता है सेम नहीं है। बिल्कुल पहले तुमने कहा हाँ, फिर तुमने कहा नहीं है। देखो एक्चुअली मेरा वेट ज़्यादा है तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो है। अगर ये बैठेगा तो ये तेज भाग, हाँ ये तेज भाग रही स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब पावर इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा है। लेकिन दोनों को बराबर करने की वजह से हमने क्या स्टेबल किया। वेट कितना है तुम्हारा? मेरा वही 63। 63 10 किलो इस पे ज़्यादा रख दो, दोनों बराबर हैं। 10 किलो इस पे कम कर दो तो ये फास्ट है, ये स्लो है। बाकी आप लोग समझदार हो तो अगर एक बोरी इस पे बांध दें तो ये धीरे हो जाएगी। तो यहाँ पे बात यही फर्क है कि R15 तक की बात करें तो ये 138 तक गई, क्योंकि 138 के बगल में ये दोनों टिके थे। और मैक्स स्पीड ऑन अगर हम GPS चेक करते हैं कि कितना गई, तो मैक्स स्पीड 139 ऑन स्पीडोमीटर था। 139 तो स्पीडोमीटर की समझ लो कि 145 गई होगी और GPS से 139। तो MT की टॉप स्पीड वही 139 GPS से है और स्पीडोमीटर से करो तो वही एरर आता है और एक्सेलरेशन से एंड तक यही है।
बोलिए। यही वो शोरूम है स्टार यामा का, तो यहीं से हम लोगों ने बाइक मैनेज की थी, ये भी अरेंज की थी तो। और चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आपको। तो अगर जो किसी को यहाँ लखनऊ में किसी को बाइक परचेस करनी हो तो ये हमारे तरुण भाई हैं, इनका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन और डिस्प्ले पे दे दे रहा हूँ, आप कॉल करके बात करिएगा। और अगर जो बता देंगे कि मैंने यूट्यूब से देख के लिया तो शायद आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए अच्छा खासा। और बाकी इनका नेचर बहुत अच्छा है, तो आप एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा लखनऊ में अगर जो आपको बाइक परचेस। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो नहीं, पुराने हैं तो सब्सक्राइब ऑलरेडी होगा। और कोई भी सवाल हो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।